नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बीएड के सेकंड पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों ये वीडियो आपकी मंडे से आने वाली थी लेकिन कुछ टेक्निकल इशू थे जिस वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। इससे पहले दोस्तों कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर वन की कंप्लीट सीरीज आपके सामने मैंने कवर करा चुकी है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं या जिन्होंने अब तक वीडियो उसको नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का आज फर्स्ट पार्ट है। आगे भी इसी तरह से कंप्लीट सीरीज ये चलेगी इसी तरह से, तो कोई भी सीरीज कोई भी वीडियो आप मिस ना करें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे, सभी अपडेट्स की जानकारी तुरंत आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पूरी बुक का एक रिव्यू एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ जिससे आपको पूरी बुक का एक आइडिया हो जाए, एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में आ जाए कि इस बुक में एक्चुअली है क्या। इससे पहले आपने जो कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ी थी उसमें आपके जो अलग अलग आयोग जो आए हुए हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा से संबंधित जितने भी आयोग आए हैं वो आपने पढ़े कि शिक्षा को लेकर क्या सुधार हुआ शिक्षा में, और स्वतंत्रता से पहले से लेकर और आज तक प्राचीन काल से लेकर आज तक शिक्षा में क्या क्या नवीनताएं आई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन से आयोग आए हैं, कौन कौन से कमीशन आए हैं, इन सभी के बारे में आपने कंटेम्प्रेरी इंडिया में पढ़ा। ये जो सेकंड पेपर है ये है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो हमारे देश में दार्शनिक हैं या विदेशी के जो दार्शनिक हैं उनके शिक्षा को लेकर क्या विचार थे, शिक्षा को लेकर उनका क्या मानना था, उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो वो सब आप इस बुक में पढ़ेंगे। मान लो महात्मा गांधी हो गए तो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का क्या अर्थ है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, या फिर आदर्शवाद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, यथार्थवाद शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, तो ये सब आप इस बुक में पढ़ेंगे। तो इस बुक में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि जो अलग अलग दार्शनिक हुए हैं या समाजशास्त्री हुए हैं उनका शिक्षा को लेकर क्या विचारधाराएं हैं वो चीजें हम इस बुक में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है शिक्षा क्या है, परिभाषित करते हुए शिक्षा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एजुकेशन, डिफाइन इट, डिस्क्राइब द डिफरेंस फॉर्म डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस होकर आ सकते हैं लेकिन हमें आंसर वही लिखना है। इसमें शिक्षा क्या है हमें ये बताना है, उसको परिभाषित करना है अच्छे से, अगर क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ तो हम इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में करेंगे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, तो वो सभी बातें हम बिल्कुल डिटेल में इसमें बताएंगे और साथ ही साथ शिक्षा के जो विभिन्न रूप हैं उनको भी इसमें डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज का होना चाहिए वो मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन का जो एस्टिमेशन होता है वो 4 पेजेस का होता है, 4 से 5 पेजेस का, 5 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 4 पेजेस का बिल्कुल अच्छा रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो 4 पेजेस से ज़्यादा, 4 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 4 या 5 बस इसी के अंदाजे में रहना चाहिए। चलते देखते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सीखना। और अगर हम अंग्रेजी शब्द की बात करें, शिक्षा का जो अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है, और जो एजुकेटम शब्द है वो ई और ड्यूको दो शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों को आपस में जोड़कर मिलाया गया है। यहाँ पर ई का अर्थ है, ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी अंदर से बाहर निकालना हमारा इसका मतलब हो गया एजुकेटम का, तो इसी से ही हमारा एजुकेशन बना है।
तो एजुकेशन का अर्थ भी यही होता है कि जो मनुष्य में शक्ति है, जो मनुष्य के अंतर्निहित शक्ति है, उसको बाहर निकालना। तो वहीं एजुकेटम से ही एजुकेशन बना हुआ है। इसको हम इस तरह से फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा एक इम्प्रेशन अच्छा बने। चाहे तो आप इसको कलर्ड पेन से, स्केचेस से अच्छे से कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप लिख सकते हैं आपको उतने अच्छे से लिखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो शिक्ष धातु से बनी हुई है। संस्कृत भाषा का ये शब्द है शिक्ष, जिसका अर्थ है सीखना। और इंग्लिश जो शब्द है वो एजुकेटम से बना है, लैटिन भाषा के जो ई और ड्यूको दो शब्दों के मेल से बना है। ई का अर्थ है भीतर से या अंदर से, और ड्यूको का मतलब है बाहर निकालना, टू लेट आउट। तो ये शिक्षा का अर्थ होगा हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर एजुकेशन का ये तो छोटा सा रूप हो गया कि जो शक्तियां हैं उसको बाहर निकालना हमारा एजुकेशन, अगर विस्तृत रूप में डिटेल में अगर हम इसका अर्थ जानते हैं पूरे अच्छे से, तो उसका अर्थ हो गया ई का यहाँ पर अर्थ हो गया एटीट्यूड से। एजुकेशन शब्द का जो लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इसका अर्थ बनाया गया है, वहाँ पर ई का जो मतलब लिया हुआ है एटीट्यूड से, यानी कि शिष्टाचार से। डी से है डिसिप्लिन, अनुशासन। यू फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। सी से क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। ए से अवेयरनेस, जागृति। टी से ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। आई से इंटीग्रिटी, एकात्मकता। ओ से ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और एन से नोबिलिटी यानी कि सज्जनता। तो ये हो गया एजुकेशन का एक विस्तृत अर्थ। एजुकेशन वो होती है जो किसी भी व्यक्ति में इन सभी गुणों का विकास कर सके, इन सभी गुणों का समावेश कर सके, इन सभी गुणों का डेवलपमेंट कर सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस बुक में वही चीज़ मिलेगी कि जो दार्शनिक हुए उनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो अब जो अलग अलग दार्शनिक थे उन्होंने शिक्षा को लेकर अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी, अपनी अपनी डेफिनेशन दी। तो उसमें से जो कुछ मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपके सामने है। सबसे पहले है मानव की संपूर्णता को प्रकट करना ही शिक्षा है। ये विवेकानंद जी की मानना था। विवेकानंद जी कहते थे कि मानव की जो संपूर्णता है उसको प्रकट करना ही शिक्षा का मतलब है। शिक्षा है ही मानवता को प्रकट करना। टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा अर्थात जो परम सत्य की खोज में मन में सहायक हो, जो परम सत्य की खोज करे वही शिक्षा है। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके अनुसार शिक्षा द्वारा लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संक्रमण करते हैं। अब हमारी पीढ़ी की जो संस्कृति है, जो भी हमारे समाज की संस्कृति है, वो अब हमारी पीढ़ी को पता है। आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना वो कार्य शिक्षा का है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी संस्कृति, अपने विचारधाराएं, अपने नियमों को, अपने वैल्यूज़ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँचा सकते हैं। इसी प्रकार डीवी महोदय जी ने बताया कि जो शिक्षा है वो अपने विस्तृत अर्थ में सामाजिक जीवन के निरंतरता का एक साधन है। अब आगे बात करते हैं हम शिक्षा के कार्य क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, एम्स और फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो अगर शिक्षा के कार्य और उद्देश्यों की बात करें तो जो शिक्षा के मुख्य मुख्य कार्य और उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। राष्ट्र की लक्ष्यों की पूर्ति करना, जो हमारे राष्ट्र की, जो देश की, यानी हमारे कंट्री के जो लक्ष्य हैं, एम्स हैं, उनको पूरा करना शिक्षा का ही उत्तरदायित्व है, शिक्षा का ही उद्देश्य है, उसका ही कार्य है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक चेतना का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। तो ये सभी शिक्षा के कार्य और उद्देश्यों में ही शामिल किए गए हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास से मतलब पहले भी बता चुके, सर्वांगीण विकास से मतलब है कि सभी अंगों का विकास, सभी बिल्कुल एक एक अंग का डेवलप करना हमें इंसान के। जैसे सभी अंगों से मतलब है कि शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए यानी मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, आर्थिक विकास। तो इसी तरह से हर तरह के हर अंगों का विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। यही शिक्षा का मेन उद्देश्य है, शिक्षा का कार्य है। आगे चलते हैं शिक्षा की विशेषता की ओर। एक बात और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको लगभग और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा। आप सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आया ही था कि शिक्षा क्या होता है स्टार्टिंग में,
थर्ड पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा शिक्षा क्या है, उसी के बाद शिक्षा मनोविज्ञान आपका आता है। पहले आप शिक्षा के बारे में लिखेंगे, तभी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में लिखेंगे। फोर्थ पेपर में आपको शिक्षक तकनीकी आएगा, तो उससे पहले शिक्षा के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक सभी पेपर्स का शिक्षा ही है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में ये देखने को आपको ज़रूर मिलता है, हमेशा मिलता है। तो चलते हैं शिक्षा की विशेषता की ओर। शिक्षा की जो मुख्य मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है कि जो शिक्षा है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, वो कभी भी बीच में रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे कि शिक्षा तो मृत्यु तक कैसे चल सकती है, वो तो एक लिमिटेड टाइम में हो जाती है, लेकिन नहीं, शिक्षा का अगर विस्तृत रूप में हम देखें, शिक्षा का मतलब होता है कुछ ना कुछ सीखना, हमारे सभी अंगों का विकास करना। तो ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है ये हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु तक हमारे किसी न किसी अंग का, किसी न किसी चीज़ों का डेवलपमेंट होता रहता है और हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अब कोई भी अनुभव हो, जीवन में इतने अनुभव मिलते हैं, हर स्तर पर मिलेंगे, मरने तक मृत्यु तक हमें कोई ना कोई एक नया अनुभव ऐसा ज़रूर मिलते रहते हैं जो कि हमें जीवन में पहली बार होते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक शिक्षा ही है, वो भी एजुकेशन ही है। तो शिक्षा क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। शिक्षा द्वारा मनुष्य का संपूर्ण विकास हो किया जा सकता है। अभी मैंने बताया सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, तो संपूर्ण विकास, संपूर्ण बिल्कुल कंप्लीट डेवलपमेंट किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है, आप खुद पर्सनैलिटी का विकास करती है। आप खुद देखिए, एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन, तो दोनों की जो पर्सनैलिटी होगी उससे आप देखते ही बिल्कुल अलग बता देंगे कि ये पर्सन एजुकेटेड है या ये अनएजुकेटेड है। तो अगर मनुष्य के जो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट, अगर पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट देखना, तो वो भी शिक्षा का ही उद्देश्य है, यह शिक्षा की ही विशेषता है। आगे आता है दोस्तों इसमें शिक्षा के मुख्य रूप, मेन काइंड्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कितने प्रकार से दी जा सकती है। तो ये हम आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी विचार, जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अंत में यही, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले पार्ट्स में। धन्यवाद।